भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया। इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। यहाँ तक लक्ष्य की बात है, वो मैंने आपको बता दिया। हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं। पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से SEC की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं, आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने। तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे सीएम के तौर पे, हालांकि पार्टी जो फैसला लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप भी रेस में हैं, अपने आप को रखते हैं रेस में? मैंने आपको बताया, मेरे को तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में, लोगों ने एक बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और दूसरी बात, जहाँ तक लक्ष्य की बात है, वो मैंने आपको बता दिया। हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया।